देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से बहुत सारी बातें स्टूडेंट को बताएं और बहुत सारी हैं जो नहीं पता। मैं अपनी से ऑनलाइन क्लास में सारी चीज़ें करा रहा हूँ ईच एंड एवरीथिंग। देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की क्या होती है, तो वी आई या वी नॉट से हम इनिशियल वेलोसिटी को जाहिर करते हैं का स्क्वायर, फिर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू वी आई जी टी साइन थीटा, वो भी इसके अंदर स्क्वायर। ये बहुत सारी चीज़ें जो आपके जाहिर है इंटर में नहीं, लेकिन ये एप्टीट्यूड टेस्ट में आती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर एक क्या लाता है एंगल फाई विच टू दस रिजल्टेंट वेलोसिटी मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट फोर्स कैन बी फॉर्म। अब देखो क्या क्या बात कर रहे हैं, एंगल फाई विच दिस रिजल्टेंट वेलोसिटी मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल कैन बी फॉर्म। ये एंगल भी पूछ सकते हैं हॉरिजॉन्टल, ये भी देखें इंटर की बुक में नहीं अवेलेबल। MCQs आई हाँ, मैक्सिमम रेंज वाली बात की हम बात नहीं करेंगे, पहले देख लें हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाइट से मुराद ये जो मैक्सिमम हाइट है बराबर होती है वी आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पॉइंट टू जी। टाइम ऑफ फ्लाइट टी इक्वल टू टू वी आई साइन थीटा पॉइंट जी। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल वी आई नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा पॉइंट जी। और फॉर पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा मैक्सिमम वैल्यू, ये जब रेंज 45 रेंज 45 डिग्री पे, अब देखो कहीं वी नॉट से भी जाहिर करते हैं वी आई से भी जाहिर करते हैं, तो ये इतनी परेशानी की बात नहीं है। मैक्सिमम रेंज कब होती है जब 45 डिग्री एंगल हो, दिस इज़ वेरी वेरी